वेलकम टू टेक और चैनल। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को काफी टाइम से इंतजार है पोको F2 का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से पोको F2 नहीं आकर पहले पोको X2 आने वाला है। और दोस्तों लीक्स के हिसाब से यह फोन काफी हद तक K30 से मिलता जुलता है। मनु कुमार जैन ने कुछ ही दिन पहले बताया था कि पोको अब एक सेपरेट ब्रांड की तरह काम करने वाला है और पोको की वेबसाइट से भी पोको X2 की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फोन फरवरी के फर्स्ट वीक में 4 तारीख को 12 बजे लॉन्च होगा। और दोस्तों अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलेगी, जो कि रेडमी K30, रियलमी X50 और आसूस के ROG 2 में देखने को मिलती है। और इसकी स्क्रीन एमोलेड नहीं होकर IPS बेस्ड होगी। और दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 730Z देखने को मिलता है, जो कि एक कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है। और पोको की वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है पोको X2 के बारे में, वो कुछ इंफॉर्मेशन रेडमी K30 से मिलती जुलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में जो रेडमी के K30 में देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ यह कन्फर्म होती है कि इसका प्राइमरी कैमरा सोनी का IMX686 सेंसर के साथ में होगा, जो कि K30 में पहले से था। और अगर हम इसके बॉटम डिज़ाइन की बात करें तो पोको की वेबसाइट पर पिक देखने को मिलती है जो सेम रेडमी K30 से मिलती जुलती है। और अगर हम दोस्तों चार्जिंग की बात करें तो अभी फास्ट चार्जिंग इसमें कन्फर्म नहीं है। दोस्तों Xiaomi इतना पागल तो नहीं है कि रेडमी K30 के सेम फीचर्स पोको X2 में डालेगा, क्योंकि जो अभी पोको X2 खरीदने वाले हैं वो फ्यूचर में रेडमी K30 नहीं खरीदेंगे, जिससे Xiaomi की सेल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। पोको की साइट पर इसके सेंसर को हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है 6 फिर 2 कैमरास फिर 6, तो इससे पता चलता है कि इसमें सेंसर 686 और बैक साइड में 2 कैमरास होंगे, जबकि रेडमी K30 में 4 कैमरास देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप ही बताएं सेम कैसे हो सकते हैं। और फ्लिपकार्ट में जो पोको लैंडिंग पेज है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें रेडमी K30 की तरह ड्यूल पंच होल कैमरा नहीं होकर यू सेप सिंगल कैमरा होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें प्राइस की, तो अगर ये रेडमी K30 के जैसा आता है तो इसकी प्राइस होगी 16 से 17 हज़ार, और मैंने वीडियो में जो फीचर्स बताए इस हिसाब से अगर ये आता है तो इसकी प्राइस होगी 13 से 14 हज़ार। दोस्तों यह सब कुछ था पोको X2 के बारे में जो मैंने आपके सामने रखी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कौन सा फ़ोन का आपको इंतजार है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।